आगरा कॉलेज आगरा के वार्षिक समारोह आशाएं 2022 के तीसरे दिन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं में मेहंदी फोटोग्राफी और नवाचार शिक्षा विषय पर वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वार्षिक समारोह आशाएं 2022 को लेकर स्टूडेंट्स खासे उत्साहित और ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। साहित्य एवं सांस्कृतिक समारोह समिति की प्रभारी डॉक्टर क्षमा चतुर्वेदी ने समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि ऑफलाइन से बेहतर कोई शिक्षा नहीं हो सकती। डॉक्टर क्षमा चतुर्वेदी प्रभारी हूँ साहित्य सांस्कृतिक समिति के। ये जो कार्यक्रम है हमारा 3 तारीख से शुरू हुआ है। 3 तारीख को उद्घाटन था और उस दिन रंगमंच की प्रतियोगिताएं थी। 4 और 5 का ये जो दिन है यहाँ पर गंगाधर शास्त्री भवन में वो साहित्यिक गतिविधियों के लिए है। इसके अंतर्गत जब कल प्रतियोगिता हुई थी उस पर भाषण था और काव्य पाठ था। आज यहाँ वाद विवाद और क्विज की प्रतियोगिता यहाँ पर होगी। इसके साथ स्टाफ रूम जो है वहाँ पर चित्रकला से संबंधित प्रतियोगिता है वो भी निरंतर 3 दिनों से हो रही है। आज उसका अंतिम दिन है। आज वहाँ पर मेहंदी की प्रतियोगिता, इंस्टॉलेशन और फोटोग्राफी की प्रतियोगिता है। और फोटोग्राफी की जो प्रतियोगिता है उसके लिए विशेष महत्व ये है कि उसका इस बार का जो टॉपिक है वो हमारा सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम का जो टॉपिक है आशाएं 2022 यही उसका विषय रखा गया है। बच्चों में बहुत उत्साह है। आप यहाँ पर लॉन में देखिए जो मेहंदी की प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें लड़के लड़कियों सभी ने भाग लिया है। लड़के भी उतनी ही अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं जितने की लड़कियां लगा रही हैं। मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से जजेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कौन प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान ग्रहण करेगा। वाद विवाद एक अहम टॉपिक है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए इसमें बच्चे अपने अपने अभिरुचि के हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों में बोल रहे हैं। जहाँ तक मैं अपना यदि मेरा मानना है तो मैं ऑफलाइन के पक्ष में जाता हूँ क्योंकि उस समय बच्चों की तीनों इंद्रियां केवल शिक्षा पर ही रहती हैं क्योंकि मन नहीं भटक सकता उनका। वहाँ पर यदि मन भटकाने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पास पड़ोस में आपका दूसरा विद्यार्थी बैठा है, सामने शिक्षक हैं, तो इन सबको देखते हुए मन में एक डर का भाव भी रहता है। और साथ में जब तीनों इंद्रियां आपके दिमाग भी चलता है, हाथ भी चलते हैं, आप बोल भी सकते हो, तो उस तरह से जो शिक्षा होती है वो शिक्षा मैं जहाँ तक समझती हूँ प्राइमरी लेवल पर या हाई स्कूल इंटर लेवल पर ये चीज़ थोड़ी सा हायर लेवल पर आप थोड़ा कर सकते हो और वो भी साइंस में काफ़ी मुश्किल है उसके लिए। जी मैं दिनेश कुमार मौर्य हूँ और फैकल्टी हूँ ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट आगरा कॉलेज आगरा। और हमारे यहाँ आशाएं वार्षिक उत्सव जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसका आयोजन होने जा रहा है और विगत 2 दिन हम लोगों का कार्यक्रम हो चुका है। आज 3रा दिन है और जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो है पेंटिंग से रिलेटेड हमारे पास 9 इवेंट है और उस पर प्रतियोगिताएँ होने जा रही हैं और 2 प्रतियोगिताएँ 2 दिन के कार्य समापन हो चुके हैं और आज मेहंदी फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है। समापन कब होगा, क्या विशेष है? हमारा जो समापन होगा वो 9 तारीख को होगा और देखिए तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें कल्चरल चीज़ें हैं, गायन है, म्यूजिक में और उसके बाद साहित्यिक कार्यक्रम है और हमारे यहाँ चित्रकला से करीब 9 प्रतियोगिताएँ होती हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ कराई जाती हैं। बच्चों में किस तरह का उत्साह रहता है? बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला है। एक तो पैंडमिक टाइम से गुजरने के बाद बच्चे थोड़े निराश थे मगर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे और पार्टिसिपेशन हर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा मिल रहा है और काफ़ी अच्छा कम्पिटेट कर रहे हैं एक दूसरे को बच्चे, तो बहुत अच्छा उत्साह है। मैं डॉक्टर निधि शर्मा लॉ फैकल्टी से आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बच्चों में बहुत उत्साह है और जो आज का वाद विवाद का प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें वो बच्चे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में बता रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन के काफ़ी उपयोग बताए हैं और मुझे लगता है कि ऑनलाइन का भी उतना ही उपयोग है जितना कि ऑफलाइन का है। जैसा कि मैम ने कहा कि तीनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, ऐसा ऑनलाइन में भी रह सकता है। अगर बच्चा सिंसियर है अपने भविष्य के लिए तो वो ऑनलाइन में भी उतना ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है।